कला हमारे जीवन की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और जब से जीवन शुरू हुआ है उसके साथ ही कला का भी संगम है, और जो कला से परे हटकर जीवन जीने की कोशिश होते करते हैं उनका जीवन जड़ हो जाता है। तो एक तो डॉक्टर्स और फिर डॉक्टर्स के ऊपर पेंटिंग, जो कि हमारे यहाँ मतलब एक हमारी तरह हमारे लिए भगवान है डॉक्टर, और जो कोविड में तो ये साबित भी हो चुका है कि किस तरह से डॉक्टर ने लोगों की जानें बचाई हैं। और जब वो पेंटिंग कर रहे हैं और रंग भर रहे हैं तो जीवन में, जिस तरह से वो जीवन में रंग भर रहे हैं या वो कैनवास पर रंग भर रहे हैं, तो मुझे एक एक चीज़ उनकी देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे चित्रकला का बहुत शौक है, लेकिन मुझे एक लाइन भी खींचनी नहीं आती है, लेकिन मैं जो है कागज़ को शब्दों से सजाती हूँ। मैं कविताएं लिखती हूँ और वो रंग भरते हैं, तो ये सामान मैं समानता अपने आप में पाती हूँ कि कहीं कहीं मैं भी कला से जुड़ी हुई हूँ। इससे पहले कि आप एक कविता सुने, हम चाहते हैं कि दीपक जी तो दीप कला फाउंडेशन का, तो मैं डॉक्टर की तरफ से भी नहीं और खुद की तरफ से भी आभार प्रकट करती हूँ कि एक साथ इतने लोगों को उन्होंने एक मंच पर लाया और लोगों को उनकी प्रतिभा जो अंदर हिडन प्रतिभा थी, डॉक्टर हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके अंदर ये कला की और ये पेंटिंग की चित्रकला की जो कला छिपी है वो प्रतिभा को वो बाहर लाए, इसके लिए हम सबको उनका आभारी होना चाहिए। और जाते जाते चाहते हैं कि आपके शब्दों में कुछ कहा जाए, मोटिवेट से हो सके सर, और ये दीप कला फाउंडेशन कविता लिखी है जी, प्लीज़। वो मुझे डॉक्टर के ऊपर कविता पूरी याद नहीं है, लेकिन मैंने जब उस कविता लिखी थी उस समय कोविड में, कि एक डॉक्टर सुबह जब उठकर घर से निकलता है तो उसे उस समय पता नहीं है कि वो कोविड के पेशेंट को देखने तो जा रहा है, शाम होते होते जब वो घर आएगा तो स्वयं भी बीमार हो जाएगा कि नहीं, लेकिन इस सब चिंता से दूर हटकर वो अपने कर्तव्य को, जो उसने उस समय कहते हैं ना धन्वंतरी की जो एक शिक्षा ली थी या जो एक वचन उसने अपने आप से दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने मरीजों को बचाना है, मरीजों की सेवा करनी है, और जब वो एक मुस्कुराहट के साथ मिलता है अपने मरीजों को तो उनकी आधी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाती है। तो मैं तो हर डॉक्टर से यही कहूँगी कि दवाई से ज़्यादा आपकी मुस्कुराहट काम करती है। जब आप जाके एक मरीज से अगर हम पूछें कि आप कैसे हो, आप एकदम ठीक हो जाओगे, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आपके ये छोटे छोटे वाक्य ही मरीज को बहुत बड़ा प्रोत्साहन देते हैं, और मैं सोचती हूँ कि जो 15 दिन रहने वाले होंगे वो 7 दिन में घर चले जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।